प्रशासनिक असंवेदनशीलता को लेकर आज सरकारी चिकित्सकों ने वृहद आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्दी अमल नहीं करती तो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिले में स्थित एक होटल के सभागार में सरकारी चिकित्सकों ने बताया कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता के चलते यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। डॉक्टर विनय सिंह यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग के क्रम में मूल वेतन का 25% प्रैक्टिस बंदी भत्ता 1 जनवरी 2016 से दिया जाए और स्वास्थ्य सेवा और स्वर्ग दत्त स्वर्ग के पदों पर सालों से लंबित प्रोन्नतियों को जल्द से जल्द प्रोन्नत करने की बात कही। वहीं पोस्टमार्टम भत्ते को 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की बात कही और जिस प्रकार नोएडा प्राधिकरण में सरकारी चिकित्सक को वाहन भत्ता दिया जाता है वैसे ही सभी सरकारी चिकित्सकों को वाहन भत्ता देने की बात कही। दंत स्वर्ग के चिकित्सकों को लंबित विशिष्ट एपीसी का लाभ 1 दिसंबर 2008 से जोड़कर दिया जाए और कार्य करने के समय को निर्धारित करने और अवकाश में केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही। साथ ही साथ नियुक्ति के समय से ही समस्त परिणामी लाभ देने, सेवानिवृत्त की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 तो कर दिया गया, विकल्प चुनने का अधिकार सेवारत को दिए जाने, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की आधार को कायम रखते हुए समस्त लंबित आवेदनों को तुरंत निस्तारण करने, बिल्डिंग के माध्यम से चिकित्सकों को 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन काम करने के बावजूद भी अनुमानित राशि का 40-50% ही देने जैसी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। उन्होंने मारपीट की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, सुरक्षा और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को हथियार सहित सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध लंबित मामलों का निस्तारण 6 माह के अंतर्गत करने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वह वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पिछले 1.5 सालों में हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन कमेटियां नहीं बैठ रही हैं, समयवान वेतनवान नहीं मिल रहा है, 6 पे कमीशन के बाद 7th कमीशन मिलने के बाद हमारा NPA पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, हमारे हॉस्पिटलों में लगातार मार पिटैया हो रही है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, नए चिकित्सक न आने से डॉक्टरों के ऊपर लोड बढ़ रहा है, सरकार इस पर संजीदगी से विचार नहीं कर रही है। हमारे जो डॉक्टर 60 के आसपास पहुंच गए हैं उनकी रिटायरमेंट 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई और उन चिकित्सकों के सामने कोई विकल्प नहीं दिया गया। हमारे जो डॉक्टर VRS लेना चाहते हैं गवर्नमेंट उनको VRS नहीं दे रही है। इस तरह से चिकित्सक एक पढ़ा लिखा इंसान आज सरकार में बधुआ मजदूर बनने की स्थिति में आ गया है। मैं अगले मंडे को हम माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्येक जिला के जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों को वहां तक फिर पहुंचाएंगे। उसके नेक्स्ट मंडे 1 तारीख को महात्मा गांधी के जन्मदिन से पूर्व संध्या पे हमारा पूरा संपर्क उत्तर प्रदेश का पूरा सरकारी चिकित्सक अपरन पहन के काला फीता बांध के गवर्नमेंट के असंवेदनशीलता के प्रति अपना विरोध दर्ज करेगा। यदि सरकार इस बीच में हमारी बातों पर संविधानिक जो हमको अधिकार हो देने के लिए तत्पर हो जाती है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यदि नहीं देती है तो हमारे पास आंदोलन के सारे विकल्प खुले। जिस तरह की हमारी सेवाएं हैं और जिस तरह से हमारा डॉक्टर बहुत मजबूरी में लगातार काम कर रहा, उसको गवर्नमेंट की जो सुविधाएं दे सकती हैं, जो उसके द्वारा ही दी गई वचनबद्धता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, जिससे हम द्रवित दुखी हैं।